Hello friends, welcome to my channel. This is Sumit Sharma and in this channel we learn English. So today we are going to learn the uses of was and were. तो अभी पिछली क्लास में हमने सीखा कि is, are, am किस तरह से यूज किया जाता है and that is called auxiliary verbs. तो auxiliary verbs कहलाती हैं. ये भी auxiliary verbs ही हैं but this is past. Past है ये किसका? Auxiliary verb is, are, am का. ये past हो गया. Past में क्या होता है? जो चीजें थी, जो समय गुजर चुका है उस समय की बात करते हैं. वो था या थी या थे के सेंस में हम बात करेंगे. जैसे मैंने बात किया कि मैं टीचर हूँ. अगर मैं कहूँ कि मैं टीचर था अब नहीं हूँ तब हम उसी जगह पर आई एम की टीचर की जगह पर लगाएंगे आई वॉज. सो यहाँ पर मैंने लिख दिया वॉज वर्ग का मतलब था थी थे है. तो पहले हम सीख लेते हैं वॉज किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा और वर्ग किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा. तो आई ही शी इट नेम एंड सिंगुलर इन सारी चीज़ों के साथ आपको वॉज का इस्तेमाल करना है. दे वी यू और एनी प्लूरल इन सब के साथ आपको वर का इस्तेमाल करना है. तो मैं कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, आप देख सकते हो. ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था. था के सेंस में आया. ही के साथ हम वॉज लगाते हैं. ही वॉज माई फ्रेंड. अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस बनाया है आई वॉज देयर विद माई फ्रेंड्स. देयर मतलब वहाँ पर. So I was there, मैं वहां था. किसके साथ था? विद मतलब साथ में, के साथ. I was there with my friends, मैं अपने दोस्त के साथ वहां था. He was an honest man earlier, earlier मतलब पहले. So पहले वो एक ईमानदार इंसान था. You are rich, you were rich, तुम अमीर थे. यू के साथ हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यू के साथ वर्ड का इस्तेमाल होगा. सो यू वर रिच, तुम अमीर थे. आई वॉज वेरी डम. डम का मतलब होता है बेवकूफ. जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता किसी भी काम में, उसको कोई नॉलेज नहीं होती, वो व्यक्ति होता है डम. सो आई वॉज वेरी डम. वेरी मतलब बहुत ज़्यादा डम था. इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो मैं जब पाँचवीं कक्षा में था तब मैं बिल्कुल डम था. तो इसी तरह से जो हमने पॉजिटिव सीखे हैं इनमें आप नेगेटिव्स देख सकते हो. नेगेटिव्स कैसे बनाना है? आपको उन चीज़ों के साथ वॉज नॉट और वर नॉट ऐड कर देनी है. नेगेटिव बनाते वक्त वॉज नॉट एंड वर नॉट यूज करोगे आप. सो जैसे मैंने लिखा है यू वर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं थे. यू वर नॉट अ गुड ह्यूमन बींग, तुम एक अच्छे इंसान नहीं थे. सो ये कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं. एक और मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, चलो दे लेता हूँ. तो मैं कहता हूँ वो लोग मेरे जानकार नहीं थे. सो मैं कहूँगा दे वर नॉट माय नोन्स. सो मेरे जानकार नहीं थे. आप नोन और अननोन जानते ही होंगे. अननोन मीन्स जिन्हें आप नहीं जानते हो, अजनबी. नोन मीन्स जानने वाला, जानकार. जैसे हमारे दोस्त, वो सारे हमारे नोट्स. हमारे फोन में कॉल्स आता है. जब हमारा फोन में अननोन नाम से कॉल आता है तो उसे हम नहीं जानते. नोन और नोन नाम के हम पहले ही सेव कर चुके होते हैं तो वो नोन और अननोन कहलाते हैं. ये आपके नेगेटिव्स हो गए. मैं कुछ इंटरोगेटिव्स बना के दिखा देता हूँ आपको. इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चन बनाते हैं. क्वेश्चन बनाएंगे हम. जैसे हम इज आर एम को आगे ला रहे थे, अब आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है. तो हम वॉज और वर को आगे ले आएंगे. जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम टीचर थे? वर यू टीचर? वर यू अ टीचर? एंड यू विल पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो आप नेक्स्ट बना सकते हो. जैसे मैं कहता हूँ क्या वह तुम्हारा दोस्त था? सो वॉज ही. ही के साथ वॉज लगता है और वॉज आगे आ जाएगा. वॉज ही योर फ्रेंड? क्या वह तुम्हारा दोस्त था? जैसे मैं कहता हूँ मान लो कोई लड़की वहां से गुजर भी जाती है, मैं कहता हूँ क्या वो तुम्हारी सिस्टर थी? तो मैं कहूँगा वॉज शी योर सिस्टर? क्या वो तुम्हारी सिस्टर थी? इसी तरह से आप वॉज वर्ड को आगे लाओगे और क्वेश्चन मार्क
लगा करके। सो हमने कुछ इंटरोगेटिव्स बना लिए। एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे क्या वह तुम्हारा बंगला था, वॉज दैट योर बंगलो। सो इट इज प्रोनाउंस्ड इन इंग्लिश बंगलो, बंगला नहीं बंगलो। सो हिंदी का हो गया। इसमें डब्ल्यू एच फैमिली भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो। वर यू नॉट अ टीचर, वॉज ही नॉट योर फ्रेंड, वॉज शी नॉट योर सिस्टर, और वॉज दैट नॉट योर बंगलो, क्या वो तुम्हारा बंगला नहीं था। इसी तरह से मैं डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ पर यूज करके दिखा देता हूँ, जैसे कि वह क्या था। मान लो मैं कोई चीज़ देखूँ और वो सामने से गुजर के चली गई, मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मैं कहूँगा वह क्या था। तो मैं कहूँगा वॉट वॉज दैट, वह क्या था। इस तरह से अब मैं कोई सब्जी खाता हूँ और मुझे नहीं पता वो डिश कौन सी है, तो मैं कहूँगा वह सब्जी कौन सी थी, वह डिश कौन सी थी। मैं कहूँगा विच डिश वॉज दैट। सो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप विच लगाते हो और विच के साथ हम जिस चीज़ की भी बात करेंगे, वो नाउन आपका उसी के साथ लगेगा। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ वह कार कौन सी थी, विच कार वॉज दैट। मैं कहता हूँ वो फ़ोन कौन सा था, विच फोन वॉज दैट। इसी तरह से आप कोई भी नाउन लगाओगे, उसी नाउन को आप विच के बाद लिखोगे। जैसे मैं कहता हूँ वह कौन था, हु वॉज ही, अगर लड़की है तो शी। अगर मैं कहता हूँ वे लोग कौन थे, तो मैं कैसे कहूँगा, हु वर दे, वे लोग कौन थे। सो इस तरह से आप डब्ल्यू एच फैमिली भी यूज़ कर सकते हो, और ये हमारे वॉज और वर के यूजेस हो गए। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको स्टार्टिंग से देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैं इस कंपनी का मालिक था, आई वॉज द ओनर ऑफ दिस कंपनी। अब मैं कहूँ कि मैं इस कंपनी का मालिक नहीं था, तो मैं कहूँगा आई वॉज नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। सो मैं कहता हूँ कि क्या मैं इस कंपनी का मालिक था, सो कहूँगा वॉज आई ओनर ऑफ दिस कंपनी। इसी तरह से अगर मैं इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा, वॉज आई नॉट ओनर ऑफ दिस कंपनी, क्या मैं इस कंपनी का ओनर नहीं था। सो मैं कहता हूँ कि मैं कौन था, हु वॉज आई, या फिर हु वर यू, तुम कौन थे। जैसे मैं कहता हूँ तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे। तुम मैं कहता हूँ मैं शादी में था, आई वॉज इन मैरिज यस्टरडे। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ keep watching and keep learning, and please like and subscribe my channel so as to I'll give you more and more videos and you'll understand better. Thank you so much.